प्रणाम भोजपुरिया जहान, प्लेनेट भोजपुरी में राउर स्वागत बा। भोजपुरी दुनिया से जुड़ल सब खबर सबसे पहले पावे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी जा और घंटी के बटन दबाई जा। लोग सबसे पहले मैं ऑडियंस को नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम कहना चाहूँगा। अब रही बात खुशी की, तो एक एक्टर के लिए अगर जो उसकी फिल्म रिलीज हो या उसका ट्रेलर रिलीज हो, तो उससे ज़्यादा खुशी की बात कि एक्टर की सबसे बड़ी चाहत तो वही होती है कि जो जिस फिल्म में उसने काम किया है, जो उसकी फिल्म का जो ट्रेलर है, अगर वो लॉन्च होता है अच्छे तरीके से, ऑडियंस का प्यार आशीर्वाद, अभी तो लॉन्च हुआ है, ऑडियंस प्यार आशीर्वाद देगी तो खुशी बढ़ता ही जाएगा। मैं छाया सिंह अपने सारे भोजपुरी दर्शकों को, पूरा भोजपुरिया समाज को प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सब कुछ। मैं इस फिल्म में जमाल जी के अपोजिट में एज ए हीरोइन हूँ और हम लोगों का कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है, पॉजिटिव में हूँ। और इस फिल्म में हम लोग के साथ गाने भी थे, मतलब लीड हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगा। ट्रेलर देखा आपने? जी बिल्कुल। सबसे अच्छी चीज़ एक मुझे पॉइंट आउट करके बताइए, सबसे अच्छा क्या लगा आपको ट्रेलर में? सबसे अच्छा लगा एक शॉट है बाइक का, हम लोग का, जो मतलब बहुत प्यारा शॉट है, वो शॉट मुझे काफ़ी पसंद है। ऐसे तो पूरी फिल्म काफ़ी अच्छी है। ये पीछे का एक रोमांटिक सॉन्ग हो रहा था, तो वो शॉट लेने के लिए अपने कोरियोग्राफर थे संतोष मास्टर जी, तो इनको जैसा बाइक है तो इनको, मैं बाइक चला रहा हूँ तो इनको आगे से बैठाना, तो उसमें लगभग तीन चार घंटे गए होंगे, लेकिन वो ये एक्चुअली क्या था, शॉर्ट ड्रेस पहने हुए थे। अच्छा। तो बहुत पंगा हो रहा, फिर उसके बाद में वापस जाके जहाँ पे हम लोग रुके थे वहाँ से कुछ चेंजेस होके वापस आए, तब जाके वो शॉट हुआ। एक साथ रखे जा रहे हैं, जबकि तीनों के अपने अलग अलग इंडिपेंडेंट मायने हैं। आपकी फिल्म का पहला शब्द दिल, जहर। एक्चुअली क्या होता है कि अपनी फिल्म के जो किरदार हैं, जो फिल्म की नायिका है, वो कुछ बीमारियों से जूझ रही होती हैं, पर उनको पता नहीं होता है, लेकिन जब पता चलता है तो वही उसी चीज़ को दर्शाया गया है कि दिल इस जहर, मतलब दिल से प्यार हुआ, इश्क हुआ, लास्ट में मतलब कोई चीज़ पता नहीं था, वो जहर बन गया धीरे धीरे, ये बीमारी वाला जहर है। अच्छा जमाल भाई, फिल्म कब तक आ जाएगी? ये फिल्म लास्ट अप्रैल तक। मैं इस पिक्चर में जो अपने दूसरे हीरो हैं, मैं उनका दोस्त रहता हूँ, मेरा गैरेज रहता है, और बचपन में मेरे माँ बाप को मार दिया जाता है, फिर सब भूल भाल के गैरेज मामूली चलाने वाला, फिर अचानक वो चेहरा नज़र आता है कि अरे यार ये तो यही है, फिर वो अपना दोस्त के साथ मिलके जो बदला लेता है, उसके साम्राज्य को मिटाता है। और कहानी बहुत अच्छी है इस पिक्चर की, क्योंकि दो दोस्त की कहानी है, दोनों दोस्त की बहन, उसकी भी बहन है, इसकी भी बहन है, और दोनों एक दूसरे के बहन से प्यार हो जाता है। रक्षा बंधन वाले दिन रिलीज का तो भी मतलब हम लोगों ने तो सोचा है कि रिलीज अप्रैल में करने के लिए, लेकिन क्या होता है कि कंपटीशन ज़्यादा है ना, तो बड़े स्टारों के साथ, अभी जानते हुए कि हम लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो बड़े स्टारों के साथ टकराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जो बड़े स्टार हैं, जैसे दिनेश जी हो गए, खेसारी जी हो गए, पवन जी हो गए, रवि किशन जी हो गए, ये इनके मान सम्मान इज्जत काफ़ी है, तो उनके सामने अभी हम बच्चे हैं। बॉडी से क्या होता है, बॉडी से कुछ नहीं होता है, पर जो अपने से बड़े एक्टर हैं, जो अपने से बड़े आर्टिस्ट हैं, उनका इज्जत मान सम्मान करना तो हम लोगों का धर्म है। इसमें गुड्डू राज सिंह जी और नीरज वर्मा की जोड़ी है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? कमाल की जोड़ी है वो, तो एक सस्पेंस है गुड्डू राज जी और नीरज वर्मा की जोड़ी में, वो जब आप पर्दे पे पिक्चर देखेगी ऑडियंस, तो मेरे हिसाब से कि कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो जरा सा भी इमोशन रखता होगा तो वो रोके ही नहीं करेगा। पहले तो मतलब इंटरटेन खूब है, उसके बाद रुलाने वाला भी कुछ। जोड़ी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब हम दोनों की जोड़ी से भी फिल्म में ज़्यादा अच्छी दोनों लोग की जोड़ी दिखाई गई है, मतलब काफ़ी अच्छा दिख भी रहा है। वो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, वो किसी और से प्यार करते हैं, और वो इतनी मोहब्बत करती हैं उनसे कि कितनी भी परेशानियाँ हो लेकिन अपने भाई को बताती नहीं है। भाई आते हैं घर पे तो हंसते रहती हैं, और चले जाते हैं तो फिर रोना शुरू कर देती हैं, तो उन लोगों की जोड़ी को काफ़ी अच्छा दर्शाया गया, सबको काफ़ी पसंद आएगा। अच्छा, एक इस पिक्चर में मैं बता दूँ कि कुछ उस टाइप के भी सीन है कि दिनेश जी डब्बा लेके जाते हैं और फिर बीबी के आगे पीछे घूमते हैं। इसमें मैं बीबी के आगे पीछे नहीं घुमाऊँ, बीबी का कपड़ा भी धुला, सलवार नहीं। एक्चुअली उस टाइम प्रेग्नेंट रहती हूँ मैं, तो चल नहीं पाती हूँ, कपड़े नहीं धो पाती हूँ, तो ये बाथरूम से मुझे टांग के लेके आते हैं, देन वो जितने भी मेरे कपड़े होते हैं सारे धोते हैं, तो सारे चीज करवा दिए, खाना भी बनवा दिए, चाय भी बनवा दिए, कपड़े भी धुलवा लिए, सब करवा दिए।
जी अच्छा हुआ कि आपको जब रियल लाइफ में करना पड़ेगा तो ज्यादा वो नहीं लगेगा कि अरे मैं नहीं धोऊंगा ऐसे नहीं करूंगा, एकदम खुशी खुशी करेंगे। नहीं एक्सपीरियंस तो हो गया है, बस कुछ नहीं जो अपना रियल लाइफ में है वो रियल लाइफ में भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। और एक्चुअल में देखा जाए तो हम रियल लाइफ को ही रियल लाइफ में उतारते हैं, अगर हम रियल लाइफ में नहीं जी पाए तो रियल लाइफ को अच्छा वो एक्सप्रेशन अच्छी चीजें नहीं दे पाते हैं जो चाहिए, क्योंकि जब तक हम रियल नहीं करेंगे तो फिर ऑडियंस किस चीज पे फील करेगी। मेरा रोना अगर दिखावटी रोना हो मतलब नेचुरली मैं नहीं रो पाऊँ तो फिर ऑडियंस को अच्छा ही नहीं लगेगा, किस चीज़ पर रोएगी किस चीज़ पर हंसेगी, तो फिर जो रियल होता है हम लोग वही करते हैं। जी सबको फिर से प्रणाम नमस्कार सत श्री अकाल। याद रखिएगा मेरा नाम जमाल खान है, मैं भी छोटा मोटा आर्टिस्ट हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बड़ा बनने के लिए और आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से ही बड़ा बनूंगा। सबसे हाथ जोड़ कर विनती है कि हमारा टेलर लॉन्च हुआ है।